हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन राहत की उम्मीद अब भी बनी हुई है। बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित किया है। आज भी यह सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 29 अगस्त के लिए प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें से 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 3 जिलों के लिए बिजली और गर्जन की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिलों के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। ऊना, हमीरपुर और कुल्लू जिलों के लिए गर्जन और बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में हम मौसम की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ एक जिलों में जो है हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हमें अनेक स्थानों पर मिलेगी। और साथ ही अगर हम मुख्य रूप से चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले की बात करें तो वहाँ पे लगभग अगले 3 दिनों तक एक आध स्थानों पर भारी बारिश भी हमें देखने को मिलेगी। जबकि वहीं पर जो हमारा ऊना और बिलासपुर जिला है वहाँ के भी एक आध स्थानों पर भारी बारिश यानी कि 6 सेंटीमीटर के ऊपर तक की बारिश हमें 29 तारीख को देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ जो हमारा सिरमौर जिला है वहाँ पे कल यानी 28 तारीख को हमें भारी बारिश मिल सकती है। येलो अलर्ट्स इन सभी जिलों के लिए हमने जारी किए हुए हैं। अगर बात की जाए क्योंकि मॉनसून जो है वो जाते हुए समय पर है, तो क्या लगता है कि कब तक मॉनसून पूरी तरह से हिमाचल से निकल जाएगा? देखिए, अगर मानसून की बात करें तो अभी भी मानसून विड्रॉल होने में काफ़ी टाइम है, क्योंकि नॉर्मली जो है हिमाचल प्रदेश से मानसून जो विड्रॉल होता है वो हमारे लगभग एंड ऑफ द सितंबर या 15 सितंबर के बाद ही होता है। तो अभी भी हमारे पास 2 से 3 हफ्ते का टाइम है, लगभग 3 हफ्ते से भी इनफैक्ट ज़्यादा का टाइम है। तो अभी भी काफ़ी अच्छा समय है जिसमें अच्छी बारिश हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। कुछ जिलों में क्या फ्लैश फ्लड्स को लेकर भी कोई चेतावनी है? फ्लैश फ्लड को लेकर के एसएस तो अभी कोई भी चेतावनी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा भारी बारिश की हमने चेतावनी हालांकि जारी की हुई है कुछ जिलों में, कांगड़ा, चंबा और मंडी जैसे जिलों में, लेकिन जैसे ही अगर कहीं पे फ्लैश फ्लड की स्थिति बनती है तो उसको हम अपने नौकास्ट बुलेटिन में, नौकास्ट अपडेट में बिल्कुल जानकारी देंगे उसकी। वही बात करें तो तापमान की क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है? तापमान लगभग जो है मैक्सिमम टेम्परेचर्स और मिनिमम टेम्परेचर्स प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगभग अपनी नॉर्मल रेंज में ही बने हुए हैं, और अगले आने वाले भी 5 से 7 दिनों में ये तापमान लगभग अपनी नॉर्मल रेंज में ही बने रहने की पूरी संभावना है। बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के ऊना में सबसे अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शिमला में तापमान 22.4 डिग्री, सुंदरनगर में 32.6 डिग्री और भुंतर में 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मनाली में 23.9 डिग्री और कांगड़ा में 31.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में हालात अभी भी कुछ चुनौतीपूर्ण हैं। वर्तमान में मौसम विभाग ने 29 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इनमें से 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 3 जिलों के लिए बिजली और गर्जन की चेतावनी दी गई है। येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम में संभावित बदलाव की स्थिति हो सकती है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि 30 अगस्त से स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इस दिन से राहत मिलने की संभावना है और मौसम की स्थिति में स्थिरता देखी जा सकती है। लोकल 18 के लिए शिमला से पंकज सिंगटा की रिपोर्ट।